अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जिन्हें आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और आज का ब्लॉग जो है वो एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ, और रेसिपी है एक पास्ता की। अभी कुछ डेज पहले मैं ग्रॉसरी के लिए गई, तो मुझे जो है बहुत ही क्यूट से पास्ता मैक्रोनी, आप जो भी इसे कह लें, मैक्रोनी नज़र आई। इसे पास्ता कह लें, मैक्रोनी वही कह लें ना, पास्ता कह लें, मैक्रोनी कह लें, ये नज़र आई मुझे। और इस पे जो है ना एनिमल्स करेक्टर्स बने हुए थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसे ब्लैक कपड़ा बिछा के ना उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश की थी ताकि आप सब लोगों को दिखा सकूँ। ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, इसमें बिल्ली बनी थी, कैट थी, टर्टल था, और टर्टल के अलावा जो है वो स्नेल जो होती है वो बनी हुई थी, और जो पास्ता था उस वो भी पता नहीं कौन सी कंपनी, सना के नाम से था कोई कंपनी, उसका पास्ता था। और एक और भी मैंने इसका पैकेट लिया था जिसमें छोटी छोटी सी बोज बनी हुई थी, जो बोज होती है ना, टाई जिसको कहते हैं वो। तो यहाँ पे रेसिपी को चलने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ऑयल लिया, ऑयल में हम लोगों ने, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें हमने गार्लिक डाला, चॉप्ड गार्लिक ले लें या गार्लिक पेस्ट ले लें, जिंजर गार्लिक ले लें, उसको हल्का सा सौते किया। जैसे ही वो सौते हुआ अच्छी सी स्मेल आने लगी तो उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन जो है ये यहाँ पे 300 ग्राम था, 350 ग्राम चिकन था। उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, और बाकी की सीजनिंग ऐड करेंगे जिसमें सॉल्ट है और सोया सॉस है, चिली सॉस है, ब्लैक पेपर है, और वाइट पेपर भी मैंने ऐड किया था। ये सब चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करेंगे, और लास्ट में मैंने एक चीज़ जो और ऐड की थी उसमें वो है मिक्स हर्ब्स। आप मिक्स हर्ब्स जब ऐड करेंगे ना तो आप यकीन माने कि इससे उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। इसमें मैं कोई वेजीज वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बच्चों ने कहा था कि हमें ये जस्ट सिंपल पास्ता बना के दें, और इसमें आपने कोई भी वेजी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, तो इसी वजह से इसमें मैंने कोई भी किसी भी तरह की वेजीज वगैरह ऐड नहीं की हैं, क्योंकि बच्चे इसको चिकन के साथ ही जो है ना मज़ा लेना चाह रहे थे। उनको ये था कि बस वेजीज ऐड ना करें और एज इट इज़ सिंपल पास्ता हमें बना दें। तो एक बहुत झटपट सी रेसिपी है पास्ता की, होपफुली कि आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गया था, मैंने मिक्सर भी ऐड कर दिए थे, और मज़ीद चिकन को भूनते हुए जो है चिकन बिल्कुल टेंडर हो गया था, सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पे पास्ता जो है मैंने ऑलरेडी सेम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी जो पैकेट पे लिखी हुई थी, और पास्ता बॉईल कर दिया था। बॉईल पास्ता जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन में, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मेरा इंस्टेंट झटपट पास्ता रेडी हो गया था, और जो एनिमल्स करेक्टर्स हैं वो भी इसमें ऐसे ही नज़र आ रहे थे। और जब मैंने टेस्ट किया तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। बच्चों को जो है ऐसा सिंपल पसंद था इसलिए मैंने सिंपल बनाया। अगर आप वेजीज ऐड करना चाहते हैं तो आप वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।